स्टूडेंट्स नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द साइंस ऑफ क्लास सिक्स लेसन टू पेज नंबर ट्वेंटी टू हिडिंग इज बैलेंस डाइट संतुलित आहार ऑल द न्यूट्रियट्स रफेज एंड वाटर आर इसेंशियल फॉर अर गुड हेल्थ हर न्यूट्रियट कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल रफेज़ और वाटर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं वी मस्ट इंक्लूड ऑल दीज इन आवर डाइट इन ए प्रॉपर अमाउंट हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अपने आहार में प्रतिदिन निश्चित मात्रा में लेना चाहिए वी शुड अडोप्ट ए बैलेंस्ड डाइट टू से फिट एंड हेल्दी हम लोगों को स्वस्थ और फिट रहने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए ए बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ फूड एक बैलेंस डाइट में हर तरह के फूड मटेरियल होते हैं सच एज एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड इन ए प्रॉपर अमाउंट तो इस तरीके से बैलेंस डाइट में एनर्जी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए सही अनुपात में होने चाहिए ए बैलेंस डाइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज हेल्थ एंड ऑक्युपेशन हर व्यक्ति का बैलेंस डाइट अलग अलग होता है ये डिपेंड करता है कि वह किस एज का है उसका स्वास्थ्य कैसा है और उसका व्यवसाय कैसा है अगर मेहनत करने वाला किसान है तो उसे ज़्यादा चाहिए होगा और अगर कोई बैठ के काम कर रहा है तो उसे बैलेंस डाइट थोड़ी से कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है फॉर एग्जाम्पल ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज हर डाइट एज दे हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग जो एक छोटा सा बच्चा होता है जो भी बढ़ रहा होता है उस बच्चे को ज़्यादा मात्रा में हर आहार चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी अभी बन रही है उसकी बॉडी ग्रो कर रही है वेयर एज जबकि वर्कर नीड्स मोर यहाँ पर विटामिन लिखा हुआ है इसको काट के कार्बोहाइड्रेट कर लीजिएगा वेर एज ए वर्कर नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हीज डाइट टू गेट एनर्जी फॉर हिज वर्क जबकि एक जो वर्कर होता है उसे कार्बोहाइड्रेट या फैट ज़्यादा डाइट में चाहिए जिससे उसे ज़्यादा एनर्जी मिल सके मैनी डिजीज आर क्रस्ड ड्यू टू इम डाइट और लैक ऑफ बैलेंस डाइट मैनी डिजीज आर काज बहुत सारे रोग हमें हो जाते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि हम सही से खुराक नहीं ले रहे होते हैं हमारा खाना सही नहीं होता है द इम्बैलेंस इन डाइट कुड बी ड्यू टू मेनी रीजन्स जो हमारे ये खुराक में असंतुलन होता है ये कई कारणों से हो सकता है एज लैक इन एनी nutrients जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स कम हो या बिल्कुल ही ना हो इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ फ़ूड हम खाना ही कम खा रहे हों जितना हमें खाना खाना चाहिए हम उससे कम खाना खा रहे हैं कार्ड अंडर न्यूट्रिशन इन दोनों ही कंडीशन में हम कहते हैं कि ये हम अंडर न्यूट्रिशन है जैसे हम जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रियट्स नहीं है या हम खाना ही कम खा रहे हैं तो ये दोनों ही अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन कही जाती हैं एंड एक्सेस ऑफ फूड कार्ड ओवर न्यूट्रिशन और हम कोई फूड जब ज़्यादा लेते हैं तो उससे हम ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं ईटिंग एक्सेस ऑफ फूड और ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट इन ओवर वेट और ओबेसिटी जब हम ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो हमें मोटापा हो जाता है हमारा शरीर मोटा हो जाता है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फैट इन बॉडी और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है अब नीचे हेडिंग इंस्टूडेंट्स डिफिशेंसी डिजीज़ वी ऑफेंस सी पीपल सिटिंग ऑन द फूटपाथ आस्किंग फॉर द फूड एंड मनी हम सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ बिगर की समस्या बहुत ज़्यादा है बिगरिंग की तो लगभग चौराहों पर सड़कों पर लोग मांगते हुए दिख जाते हैं खाना मांगते हैं पैसा मांगते हैं डिफिशियंसी डिजीज़ आर मोर कॉमन एमोंग द पीपुल एज दे डू नॉट गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड तो ऐसे लोग जिन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है उन्हें डिफिशियंसी रोग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उन्हें डिफिशियंसी डिजीज़ ज़्यादा होता है जिन्हें खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई गुड क्वालिटी फूड फॉर देम उनके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं होता है कि वो अपने लिए एक अच्छा खाना खा सकें आवर बॉडी इज़ अफेक्टेड बाई लैकिंग ऑफ न्यूट्रियट्स हमारे शरीर अग में अगर कोई न्यूट्रियट्स कम है तो हमारा शरीर उससे प्रभावित होता है फॉर एग्जाम्पल लैक इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कॉजेज वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना ऑफ द बॉडी अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फ़ैट की कमी होती है तो हमें थकान लग जाती है और हम जल्दी ही लॉस ऑफ स्टेमिना मतलब जल्दी ही हम थक जाते हैं कमज़ोरी लगती है और हम जल्दी ही थक जाते हैं लैक ऑफ अदर मिनरल्स लाइक सोडियम causes डिहाइड्रेशन और जब हमारे शरीर में सोडियम की कमी होती है तो हमें डिहाइड्रेशन महसूस होता है स्टूडेंट्स अब पेज नंबर ट्वेंटी थ्री है इसमें एक टेबल दिया गया है इस टेबल को हम लोग कल समझेंगे आप लोग एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा हम कल इसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब तक आप लोग आज तक इतना ये पूरा लेसन फिर से एक बार पढ़िए स्टार्टिंग से लेसन सेकेंड आप लोग फिर से पढ़िएगा पूरा हर जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिएगा उसके बाद हम ये पॉइंट समझेंगे थैंक यू